आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ 14 अगस्त के हवाले से किड्स पार्टी की डेकोरेशन, सर्विंग और आइडियाज शेयर करूंगी कि आप कम बजट में कितनी अच्छी सर्विंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेक कर लेते हैं केक को। यहाँ पे केक जो मैं बेक करती हूँ उसकी रेसिपी यह है कि 4 eggs ले लिए और 100 ग्राम शुगर, इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे एग के साथ ही, और इसको अच्छा सा फ्लफी सा हमने बीट करना है इस तरह से। 1 teaspoon वनीला एसेंस डाल देंगे, 100 ग्राम इसके अंदर जाएगा मैदा छान के हमने बोल डाल देना है। ऑयल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्रे मैंने ले लिए, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, इसके ऊपर मैंने जो है वो बटर पेपर भी बिछा दिया है। 2 बार हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ ना ट्रे, इसका साइज है 10x6 का। ये बेक हो गया 2 हमारा इस तरह से। अब हमने करनी है इसकी फाइनल डेकोरेशन के वो हमने किस तरह से करनी है। ठीक है, ये ठंडा हो गया। सबसे पहले मिल्क के अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के मैंने इसको मॉइस्चराइज सोक कर लिया था ताकि वो सॉफ्ट सा हो जाए। अच्छे से अपना मॉइस्चर करना है ताकि जब केक हो वो हमारा नरम सा बने। 1 layer हमने लगा दी है क्रीम की। इसके बाद अगेन हमने केक का जो हमने स्पंज स्टडी किया वो रखना है। अच्छा, जिनको भी सर्विंग ज़्यादा नहीं आती या प्रेजेंटेशन केक की नहीं देनी आती, रफ कोट कर दिया आपने। दूसरा मैंने ग्रीन कलर रेडी कर लिया है, रफ कोट करके आपने फ्रिज में रख देना है। अब जैसे ही मून का मैंने हल्का सा मैंने मार्किंग कर लिया, स्टार की कहाँ पर आनी है, कौन सा व्हाइट पार्ट आना वो मैंने अलग कर लिया। स्टार नोजल लेनी है आपने, रफ कोट मैंने कर लिया स्टार नोजल्स के साथ। इस तरह से आपने क्रीम जो है वो लगाते जाना है ना, सबसे आसान सा मेथड। ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं देनी पड़ती और काम भी आसान हो जाता है। यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी, जस्ट क्रीम रखी थी, उसके बाद उसको नीट कर लिया था, मून और स्टार आ गया था और बाकी ग्रीन पार्ट को भी इस तरह से डन कर लिया। फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने डोनट रेडी किए हैं, डोनट जो है डोनट केक, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है पड़ी, जो कप केक की होते हैं ना सेम वही रेसिपी है। व्हाइट चॉकलेट में ग्रीन कलर ऐड करके मैंने कोट कर दिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद मैंने कोशिश की थी स्टार मून कुछ इस तरह से शेप्स जो हैं वो इसकी आ जाए, तो जितना बेस्ट दे सकते थे मैंने दे दिए हैं। थोड़े से व्हाइट चॉकलेट करके ऊपर से बॉल्स वगैरह डाल दिए हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी भी हो ना। अगर चीज़ें हम सारी बना लेते हैं, सब भी अच्छा करते हैं, बस थोड़ी सी जो मिस्टेक हो जाती है वो होती है प्रेजेंटेशन की, वो अच्छी होना। तो नॉर्मल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि किड्स पार्टी है तो बच्चों बड़े भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नैक्स जो जो बच्चों को पसंद थे वो रख दिए। सबसे पहले केचप रख दिया, बच्चों को बहुत पसंद होता है ना उसको लगा के खाने के अपने स्नैक्स के साथ। उसके बाद मैंने कुरकुरे रख दिए, कुछ स्लेंटियाँ रख दी थी, जो बच्चों को बिस्किट्स पसंद है वो रख दिए, कुछ जो है वो बगैर ओपन के रख दिए थे बच्चे ऐसे लेना चाहें, कुछ चॉकलेट सॉस पसंद होती है वो रख दिए। जो जो बच्चों को पसंद हो आप रखना चाहें इजीली रख सकते हैं, और साथ में लॉलीपॉप कुछ रखती हैं इस तरह से। अब ये देख लें, हम नॉर्मल भी सर्व करते हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे अगर हम फोकस कर लें तो कितना अच्छा इस तरह से सर्व करें ना, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। स्नैक्स भी रखने होते हैं तो मैंने यहाँ पे समोसे रख दिए, यहाँ पे डोनट की हम कर देंगे सर्विंग कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है हाफ सर्विंग डन। साथ में कुछ कैंडल्स लगा दें, कुछ बलून्स लगा दें, और ये हमारा आ गया है फाइनल केक। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि फाइनल्स मैंने इस टेबल की सेटिंग की है किस तरह से, और यकीनन आपको भी पसंद आएगी। जरूरी नहीं है कि आप इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करें, थोड़ी सी चीजें रखें, थोड़ा सा सर्विंग पे फोकस करें और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। उसको इस दिन के हवाले से अब उनको वाकियात भी बताएं किस तरह से हमने लिया, साथ में बच्चे भी आए होते, उनके फ्रेंड्स भी आए होते, उनको भी कुछ डिफरेंट चाहिए होता है तो बच्चे भी यकीनन खुश हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये सर्विंग का मेथड यकीनन पसंद आया होगा। आप ही इस तरह से 14 अगस्त पे करें और अपना वो दिन खास जो है वो खास करें और यादगार गुजारें। यहाँ पे हम करें इंजॉय, आप भी अपने बच्चों के साथ ये दिन सेलिब्रेट करें और इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे मेरी वीडियो लगे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।